हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे कार्यों में व्यस्त होंगे। तो गाइस, आज का वीडियो जैसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाला, तो मेक श्योर आप लोग वीडियो में इन तक बने रहेंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में जैसे नीट 2023 की जो रिजल्ट आने के बाद कुछ अपडेट्स वगैरह आए हैं, क्या अपडेट्स है MBBS एडमिशन के लिए, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम लेकर के आते रहता हूँ। तो आप लोग जैसे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो भाई, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं आपको नीट 2023 का जो है सो काउंसलिंग जब होगा तो कितने सीट्स आपको 2023-24 सेशन में इंक्रीज हुए हैं, कौन कौन से स्टेट में इंक्रीज हुए हैं वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो बिना टाइम लेस के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई देखिए, ABP लाइव का जो है सो ये आर्टिकल है और टाइम्स नाउ का भी सेम आर्टिकल था जो कि इंग्लिश में था। तो ABP लाइव का आर्टिकल है, इसमें इन्होंने दे रखा था MBBS छात्रों के लिए बड़ी खबर, यानी कि एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक क्या न्यूज़ है। तो अब 1 लाख से ऊपर सीटों पर मिलेगा एडमिशन, यानी कि अब 1 लाख से ऊपर जो है MBBS की सीट्स हो गई हैं 2023-2024 सेशन के लिए। इसमें इन्होंने दे रखा है कि NMC ने 50 नए मेडिकल कॉलेज को अप्रूव किया है इस बार से जो है सो, यानी 50 न्यू मेडिकल कॉलेज जो है सो 2023-2024 सेशन के लिए अप्रूव हुए हैं नए मेडिकल कॉलेज। इसके अप्रूव होने से जो है सो 8000 सीट्स जो है सो आपको इंक्रीज होंगे लगभग। तो NMC ने जो 50 नए मेडिकल कॉलेज को अप्रूव किया, ये आर्टिकल 9 जून 2023 का है जो कि ABP लाइव का है। तो इन्होंने दे रखा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की माने तो 8195, यानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उन्होंने बताया है कि 8195 सीट जो है इंक्रीज होंगे इस साल से, यानी 2023-2024 सेशन वालों के लिए जो है इतने सीटें इंक्रीज हो गई। और ये जो है सो 30 गवर्नमेंट कॉलेज जो है सो आपको इंक्रीज हुए हैं और रेस्ट जो है सो प्राइवेट कॉलेज इंक्रीज हुए। तो 50 जो है सो कॉलेज थे जिसमें से 30 गवर्नमेंट कॉलेज नए बने हैं और 20 जो बच जाएंगे उसमें प्राइवेट होंगे, डीम्ड होंगे, ये सारे जो है सो कॉलेज जो है सो आपको इंक्रीज हुए। और 50 गवर्नमेंट कॉलेज इनकी जो उसमें बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है सो आपको 13 नए मेडिकल कॉलेज जो है सो आपको तेलंगाना स्टेट में स्टार्ट हो रहे हैं, यानी 13 मेडिकल कॉलेज सिर्फ तेलंगाना स्टेट में स्टार्ट हो रहे हैं और रेस्ट ऑफ जो है मेडिकल कॉलेज वो 15 स्टेट में आपको जैसे स्टार्ट होंगे। जब ये तो सबसे ज़्यादा तेलंगाना वाला बात हो कि 5-5 मेडिकल कॉलेज जो है आपको, यानी 5 मेडिकल कॉलेज राजस्थान में और 5 मेडिकल कॉलेज जो है सो आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हो रहे हैं। और रेस्ट ऑफ जो है स्टेट की बात करें तो उसमें आपको है ओडिशा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, असम, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो ये सारी जो है इनकी, अब हम बात करें कि अभी सीट्स कितनी हो जाएंगी। तो अभी जो सीट्स हो जाएगी वो आपको 1,07,658 MBBS की सीट हो जाएंगी ये इंक्रीज होने के बाद। और 2022-2023 की सेशन की बात करें तो उस सेशन में जो है 654 मेडिकल कॉलेज थे जिसमें 99,766 सीट्स MBBS की थी, प्राइवेट, डीम्ड और गवर्नमेंट सारे को जो है सो जोड़ करके मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है सो टाइम्स नाउ का भी आर्टिकल था आपको और ABP लाइव का भी था। अब जो है सो सीट्स की बात करें तो अब जो है सो सीट्स आपको 1,07,658 सीट्स हो जाएंगे इस सेशन से जो है सो 2023-2024 सेशन के लिए MBBS के जो है। तो यही जो है सो आप लोग के लिए गुड न्यूज़ था, तो वो मैंने आपको जैसे इस वीडियो में बता दिया। तो आप लोग बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम लेकर के आते रहता हूँ। देखिए, इस वीडियो को जो है मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि पहली वीडियो में जो है सो क्वालिटी इशू के कारण जो है सो लाइटिंग वगैरह पता नहीं फोन अपडेटेशन के कारण कुछ हो गया था, तो मैंने जो है सो फिर से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।